हे गाइस, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम दोस्तों लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को बहुत ही डिटेल तरीके से देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, जिसमें हम उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के प्रिंसिपल में क्या होता है? प्रिंसिपल में आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड का मिक्सचर होता है, यानी दोनों का इंट्रैक्शन होता है, किसमें? एक सिट्रिक एसिड एंड अल्कलाइन मीडियम में, तो जिससे फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है, जो कि एक पर्पल कलर होता है, या फिर वहाँ पर पिंक कलर भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज डिपेंड्स अपॉन द इंट्रैक्शन ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड विथ आयरन, यानी इंट्रैक्शन ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड विथ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिकल अल्कलाइन मीडियम, यानी आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड का मिक्सचर होना सिट्रिक एसिड यानी एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम में, तो जिससे क्या बनता है? दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल और पिंक कलर फेरस सॉल्ट ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, यानी ये जो फेरस थायोग्लाइकोलेट है, ये एक फेरस सॉल्ट्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड है, तो जिसमें जो कि फेरस यानी आयरन एंड थायोग्लाइकोलेट, तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है? एक पिंक या फिर एक पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। एंड दोस्तों हम उसके प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है टेस्ट सॉल्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर टेस्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको कुछ सैंपल दिया जाता है तो सैंपल इज डिजॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर। सैंपल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में उसको मिक्स करना है एंड देन वॉल्यूम इज मेड अप टू 40 ml, यानी आप एक नेशनल सिलेंडर ले सकते हैं जिसमें आपको सैंपल दिया जाता है। तो सैंपल को नेशनल सिलेंडर में डालिए, फिर उसे डिजोल्व कीजिए, फिर उसे 40 ml तक कर लीजिए। नेक्स्ट उसमें 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड डालिए एंड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड उसमें मिक्स कीजिए एंड एड अमोनिया टू मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन। एंड अल्कलाइन करने के लिए, उस मीडियम को अल्कलाइन करने के लिए आपको अमोनिया ऐड करना है एंड एडजस्ट द वॉल्यूम अप टू 50 ml। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें 40 ml किए थे, नेक्स्ट 2 ml आपने सिट्रिक एसिड ऐड किया है एंड 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड किया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपका मीडियम जो कि मीडियम है उसका अल्कलाइन करने के लिए अमोनिया ऐड करना है एंड इस मिक्सचर के बाद आपको उसे एक साइड में रख देना है 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम उसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है। एक नेशनल सिलेंडर लीजिए जिसमें 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिक्स कीजिए, फिर उसकी वॉल्यूम है 40 ml कर दीजिए। नेक्स्ट उसमें 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड मिक्स कीजिए। नेक्स्ट 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड उसमें मिक्स कीजिए। नेक्स्ट उसमें जो कि अल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए आपको अमोनिया ऐड करना है और उसकी वॉल्यूम 50 ml कर देना है, फिर आपको उसके एक साइड में रख देना है 5 मिनट के लिए। तो स्टैंडर्ड भी प्रिपेयर हो गया, टेस्ट भी प्रिपेयर हो गया। तो आपको स्टैंडर्ड एंड टेस्ट को कंपेयर करना है, तो देखना है कि स्टैंडर्ड के साथ टेस्ट मिलता है या नहीं, उसकी कैसी कंपेरिजन है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि टेस्ट सोल्यूशन जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे उसकी कलर में हो या फिर उसकी प्रेसिपिटेट में हो, टेस्ट सोल्यूशन हमेशा कम होता है। अगर टेस्ट सोल्यूशन की कलर स्टैंडर्ड से ज़्यादा होता है तो आपकी जो टेस्ट है वो फेल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आप पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।